वल्लभादीश की जय। साईं जी परम दयालु की जय। श्याम सुंदर श्यमने महारानी की जय। श्री गिरिराज धरण की जय। श्रीनाथ प्यारे की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। सब वैष्णवन को जय श्री कृष्ण। आप श्रवण कर रहे हैं श्री हरिराय जी के शिक्षा पुत्र। कल आपने 8वें श्लोक तक श्रवण करो और आज वहाँ से आगे प्रारंभ करें। आज 31वां दिवस भाग 31 पत्र संख्या 9 में 9वें श्लोक से प्रारंभ करें। सो सबको जय श्री कृष्ण। कटिभाव ज्ञापी कातिकिंकणी रवशोभितम् पदद्वये गतस्वर्ण मणिनूपुरम् मंडितम्। शब्दार्थ कहें कटि के भाव को जताए वाले किंकणी के शब्द करके शोभित हैं और दो चरणार बिंद में धरे सुवर्ण में जटित मणियुक्त नूपुर करके मंडित हैं। टीका कहें कटि में किंकणी के रव शोभित हैं तथा रव करी ब्रज भक्तन को अनेक रमणादिक लीला के भाव को सूचन करावत हैं। दो चरण कमल की चाल परम सुंदर है, तिनमें मणिजटित सुवर्ण के नूपुर सोहत हैं, ऐसे श्री कृष्ण कब दर्शन देंगे। नखचंद्र प्रकाश से एक प्रकाशित जगत्त्रयम् पीतांबर तरीय सच्चलन दल चल सुंदरम। नखरूप चंद्र के प्रकाश से मुख्य प्रकाशित किए हैं तीन जगत जिनने, और पीताम्बर को जो उत्तरीय वस्त्र सो थोरो सो चलायमान अंचल ताकर के सुंदर हैं। टीका कहें नखचंद्र के प्रकाश कर तीनों जगत को प्रकाश करते हैं। आकाश पाताल भूलोक ये तीनों लोक में जो भक्त हैं तिनके हृदय में प्रकाश करते हैं, और के हृदय को नखचंद्र प्रकाश ना ही करते हैं। सो भक्त कैसे हैं जाने, एक श्री ठाकुर जी के चरणारविंद को आश्रय कियो है, तिनके हृदय में नखचंद्र प्रकाश करते हैं तथा ये ललित त्रिभंगी स्वरूप श्री वृंदावन में स्थित है। तिनको अनुभव एक ब्रज भक्तन को है, सो राजसी तामसी सात्विकी ऐसे त्रिगुण भक्त हैं, तिनके हृदय में ये नक्षत्र प्रकाश करते हैं। और पीताम्बर सो ब्रज भक्त श्री स्वामिनी जी के उत्तरीय भाव से धारण किए हैं, सो उत्तरीय के दो अंचल मंद सुगंध वायु कर चलायमान है। प्रदर्शित शिरोभेदम चलन मकर कुंडलम नृत्यंतम नयनानंदम नितांतर तरति संप्रदम। शब्दार्थ बतायो है मस्तक को भेद जिनने, चलायमान मकराकृति है कुंडल जिनके जो नृत्य करते हैं, नेत्र में है आनंद जिनको और निरंतर रति को देवे वारे हैं। टीका कहें मस्तक के दो ओर सुंदर श्रवण में मकराकृति कुंडल धारण किए हैं, सुसांख्य योग स्वरूप हैं, ऐसे श्री कृष्ण नृत्य करते हैं। ताकर ब्रज भक्तन के नयन को परम आनंद देते हैं, भक्तन को रति रस को अनुभव करावत हैं। नितंबनी वृंदरती रसानु भवलोप लोलुपम बेहरंतम विशेषेण रास लीला परायणम। ब्रज भक्तन के वृंद मध्य विराजित हैं ताकर इनके रसानुभव करके लुब्ध हैं, विहार करते हैं और विशेष कर रासलीला में परायण हैं अथवा रासलीला के उत्तम हैं स्थान जिनको ऐसे हैं। ब्रजभक्तन के वृंद में प्रभु विराजमान हैं, सुभक्तन को रासानुभव करावे में परम चंचल हैं। सुयाते जो एक काला अछिन्न समस्त ब्रजभक्तन को दान करत हैं, रासादिक लीला करवे में प्रभु परम चतुर हैं। त्रभंग ललितम वेणुकलितम भजयोरपि वृंदावने कफलितम बलितम स्वजनैः सह। त्रभंग स्वरूप है तासों मनोहर हैं, दो भुज में हूँ वेणु धारण किए वृंदावन के मुख्य फल रूप हैं और स्वभक्त जन सहित मिलित हैं। टीका कहें या भांत त्रभंग स्वरूप कर दो भुजान सो वेणु नाद करते हैं, सुश्री वृंदावन के फलात्मक स्वरूप श्री वृंदावन में
सदा विराजमान है, अपने स्वजन ब्रज भक्तन करके वेष्टित है, या भांत लीला सहित स्वरूप के प्रभु को कब दर्शन देंगे। वादयंतम मुरलिकाम मोहयंतम मनः सताम जगज्जडम प्रकुर्वंतम रोदयंतम च भक्षणम। शब्दार्थ, मुरली को राद करते हैं, पुरुष के मन को मोह करते हैं, जंगम को जड़ करते हैं और पशु आदि के भक्षण को रोध करते हैं। टीका कहते हैं, सुंदर सप्त सुरन की मुरली का बजाय के समस्त भक्त जनन के मन को मोह करते हैं। श्री वृंदावन में स्थित पशु पक्षी वृक्षादिकन को मोह उपजावते हैं, जड़ हैं तिनको चेतन और चेतन हैं तिनको जड़ करते हैं। सो पशु पक्षी चैतन्य युक्त हैं, सो जड़ होए के स्थित हैं, ऐसे रहे वेणुनादामृत रस को पान करते हैं और वृक्ष पर्वत आदि जड़ हैं, सो चैतन्य युक्त होए मधुधारा बहत हैं। पशूनाम पक्षिणाम चैव मौन संपादकम तथा तरुणामंतरानंद मधुधारे कवार्षुकम। जब वेणुनाद करते हैं तो पशु पक्षियों को मौन कर विवारे और वृक्षण के मध्य में आनंद करके मधुधारा को वर्षण कराए विवारे। टीका कहते हैं, पशु पक्षी वेणुनाद सुन के चंचलता छोड़ मौन होए रसपान करते हैं, ये आदि दैविक श्री वृंदावन के मुनि हैं। पुष्टि लीला संबंधी वृक्षादिते मधु की धारा वर्षत है, सो अंतःकरण में भगवदीयन को जब भगवत स्वरूप को अनुभव होए तब आनंद से देह में पुलकावली होए। सो श्री वृंदावन के वृक्ष हैं, सो परम भगवदीय हैं, सो वेणुनाद रस अमृत को हृदय में अनुभव करे, अंतःकरण में आनंद पाए, मधुधारा स्रवत हैं। हरंतम ब्रज भूतापम पदस्थापन तस्तथा यमुना तीर मात्रिक जल क्रीड़ा कृति प्रियम। शब्दार्थ, चरणारविंद के स्थापन से ब्रज की भूमि के ताप को हरवे बारे तथा श्री यमुना जी के तटमात्र में मुख्य जलक्रीड़ा की कृति है, प्रिय जिनको। टीका कहते हैं, या भात रासादिक लीला ब्रज भूमि में कर ब्रज भूमि के ताप को हरत हैं तथा ब्रज में उत्पन्न भय सर्व प्राणी के ताप को हरत हैं, अथवा ब्रज में अपने चरणारविंद स्थापन करें, सगरी गुलमलता औषधि आदि के ताप को हरत हैं, अथवा ब्रज में सब ठोर चरण चिन्ह स्थापन करें, यह जतावत हैं। जो को ब्रज को आश्रय करेगो तिनको हु ताप दूर होएगो। यह भांत रास लीला अनेक भक्तन सो किए तब श्रम जल भयो, तब श्री ठाकुर जी जाने जो यह भक्तन सहित श्रम जल है, यह रस कहाँ देनो, पाछे विचारे जो यह रस के पात्र श्री यमुना जी हैं, ऐसे जान भक्तजन सहित श्री यमुना जी में पधारे, सो अपनी प्रिया श्री स्वामिनी जी सहित जल क्रीड़ा करत भय। या भात श्री यमुना जी को पात्र जान दर्शन रसदान कियो, जल क्रीड़ा कर श्रम को निवारण कियो, ऐसे श्री कृष्ण कब दर्शन देंगे। आज यहीं विश्राम करे हैं और यहाँ से आगे आप कल श्रवण करेंगे। सो सब वैष्णवन को जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।